बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी व्यवस्था की गई है, जिसमें जिले के अलावा बाहरी फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात रहेगा। आपको बता दें कि वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में NSD कमांडो तैनात रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो इसके लिए 6 ASP, 16 CO, 60 इंस्पेक्टर, 150 सब इंस्पेक्टर और 100 हेड कांस्टेबल के अलावा 850 कांस्टेबल के साथ ही 3 कंपनी PSC तैनात की गई है। इसके अलावा ड्रोन कैमरे में भी लगातार निगरानी की जाएगी। वहीं CM की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय इंतजाम किया जाएगा। जनसभा पर नजर रखने के लिए खुफिया विभाग की टीमें बरेली आ गई हैं, जो मंच से लेकर आसपास की जगहों पर भी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी घूम घूम कर नजर बनाए हुए है। कॉलेज परिसर में बनी भवनों पर हथियारों के साथ पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। परिसर के आसपास भी चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आपको बताते चले कि जिस मार्ग से मुख्यमंत्री योगी का काफिला गुजरेगा, उस पर विशेष सुरक्षा दलों का पहरा रहेगा। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो इसको लेकर आज जिलाधिकारी शिवकांत द्विवेदी, ADM सिटी RD पांडे, ADG राजकुमार, IG डॉक्टर राकेश सिंह, नगर आयुक्त निधि वत्स गुप्ता ने बरेली कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए तैयार किए जा रहे पंडाल और मंच का जायजा लिया।